शांति। ये वीडियो केवल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के लिए है, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 7 डेज कोर्स कर लिया है। यदि किसी ने नहीं किया है और इस वीडियो को अच्छी तरह समझना चाहता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिन का कोर्स करें और चित्रों को अच्छी तरह समझे तो वो समझ सकेगा कि श्री कृष्ण का जन्म कब और कैसे होता है। जो YouTube पर वीडियो डाले गए थे पार्ट 1 और 2, उस पर कुछ भाई बहनों का प्रश्न आया है। उन्होंने मेरे पास एक मुरली का पीस भेजा है, जो मुरली 25/10/2010 की है और साकार मुरली के आधार पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, जो मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये साकार मुरली है। सबसे नीचे आप देखेंगे साकार बाबा की 25/10/10 की रिवाइज मुरली है, जो मेरे पास स्पष्टीकरण के लिए भेजी है। अब हम इसका स्पष्टीकरण समझेंगे कि इस मुरली में बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म के लिए क्या कहा है। तो हम सबसे ऊपर देखते हैं, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होती है, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। यहाँ हमारा एक वाक्य पूरा होता है, बहुत ध्यान से समझना है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होते, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण होते हैं। ये है परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होने पर सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग, जिसमें परमपिता परमात्मा से जो आत्माएं ज्ञान लेती हैं वो है ब्राह्मण, और जो परमात्म ज्ञान नहीं लेते धारणा नहीं करते उन्हें हम ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे ना, राइट। इसे अंग्रेजी में कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, अर्थात संगम युग, जिस समय पर दो युग है, एक तरफ कलयुग खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ सतयुग जन्म ले रहा है। दोनों के 50-50 वर्ष हैं। यहाँ जो बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के। कलयुग में वो आत्माएं हैं जो अभी तक बॉडी कॉन्शियस हैं, और सतयुग में वो आत्माएं हैं जो सोल कॉन्शियस हैं। जो सोल कॉन्शियस हैं वो है सतयुगी नाव में, और जो बॉडी कॉन्शियस हैं वो कलयुगी नाव में है। अब वो आत्माएं सारी की सारी यहीं पर हैं। एक तरफ आसुरी दुनिया है जिसे हम नर्क कहेंगे, एक तरफ दैवी दुनिया है जिसे हम स्वर्ग कहेंगे। अभी चाहे उन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म ले लिया है, फिर से हम उसी लाइन को देख रहे हैं, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होते, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण जब होंगे तो नेचुरल है कि उस समय दूसरी तरफ जो एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होंगे उनके लिए ये दुनिया नर्क नहीं होगी, उनके लिए ये दुनिया नर्क नहीं होगी, उनके लिए स्वर्ग होगा। होंगे इसी एज इसी समय, क्योंकि इसी का नाम संगम युग है, और वो नर्क में होंगे। जिसे बाबा कहते, एक पांव कलयुगी नाव में
और दूसरा पांव सतयुगी नाव में होता है। तो दोनों नाव पे चलोगे तो चिरे जाओगे। इसलिए हम कहाँ हैं वो तो हम सोचें कि यदि हम सतयुग में जाना चाहते हैं तो अभी सतयुग में रह सकते हैं। ये वीडियो बनाने का भी मेन मकसद यही था कि अब सतयुगी नाव पर आ जाओ। यदि अभी भी आप बॉडी कॉन्शियस में कलयुगी नाव में रहते हो तो आपकी मर्जी है। बनाने का मतलब यही था, मैसेज देने का मतलब यही था कि अब अपने पुरुषार्थ की गति को तेज कर लो, क्योंकि अब क्या आ गया है हमारे लिए, जो श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया मेरे सतयुगी पार्ट शुरू हो गया। अगली लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। रावण संप्रदाय वाले सब परम धाम में चले जाते हैं तब ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए कल्प के आदि में योग बल से होता है, नए कल्प की आदि में। तो सतयुग आ गया और नए कल्प की आदि, क्योंकि सतयुग जो है उनके लिए है जो अब सोल कॉन्शियस बन गए हैं। जो अभी सोल कॉन्शियस नहीं बने हैं वो अभी नहीं है, वो अभी कलयुग में है, उनके लिए सतयुग का आरंभ हुआ ही नहीं है, ठीक है। नहीं, अगली लाइन में देखो, जैसे देवताओं के पैर पुरानी विकारी दुनिया में नहीं जा सकते। बाबा कहते तुम अब अपने पैर विकारी मिट्टी में नहीं ले जा सकते, देहधार देह भान में नहीं जा सकते। जाते हैं तो आप नरक में हैं। ऐसे ही विकारी पतित मनुष्यों के पैर नई दुनिया में नहीं पड़ सकते, क्योंकि जो विकारी हैं वो सतयुगी सुख नहीं ले सकते। इसलिए नए कल्प आरंभ होने तक सभी पतित विकारी सभी आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी, परंतु परम धाम में वे भी पावन बनकर ही जाएंगी। मतलब जो भी आत्माएं हैं, पतित हैं, विकारी हैं, जैसी भी हैं, सभी पावन बन के जाएंगी। उनकी पावन की स्टेज अलग चीज है, उनका पावन बनना है अपना हर एक आत्मा से कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना। कोई भी आत्मा का जब संसार में किसी भी आत्मा से कोई लेना व देना नहीं रहेगा तभी सब आत्माएं घर जाएंगे। ये है परम धाम मुक्ति के लिए पवित्रता का आधार, जिस आधार से वो परम धाम जाएंगे। परंतु जब तक वो रहेंगे, अगली लाइन में देखो, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे। देखो दो प्रकार के लिए, एक है एडवांस पार्टी और एक है एडवांस स्टेज वाली आत्माएं। एक एडवांस पार्टी और एक एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि उनकी पालना भी ब्रह्मा द्वारा ही होती है। कब होती है? इसी कॉन्फ्लुएंस एज पर, संगम युग पर, किसी अलग अलग समय पर तो नहीं होगी। उस समय हमारे लिए जो सतयुगी बन गए उनके लिए सारी दुनिया स्वर्ग है, उनकी दृष्टि ही बदल गई है ना, उन्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। और जिनके लिए नरक है उन्हें सारी दुनिया गंदी दिखाई देती है, उन्हें अच्छा कोई दिखाई नहीं देता। इसी को संगम युग कहते हैं। संगम युग पर दोनों हैं, और एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे। उनकी पालना भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही होती है। वे पालना चाहे साकार रूप में यज्ञ से हो या अव्यक्त रूप से हो, नतर तक साकार रूप से हुई और उसके बाद अव्यक्त रूप से हो रही है। जो आत्माएं बाबा की साकार में बनती हैं वे सब जब तक एडवांस जन्म में नहीं आती परम धाम नहीं जाती। एडवांस जन्म में नहीं आती परम धाम नहीं जाती या देवता नहीं बनती है, तब उनको ब्राह्मण ही कहा जाएगा।
बाबा ने अनेक बार कहा है, ब्राह्मण सो परिस्ता और परिस्ता सो देवता। अभी वो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण होंगे और ब्राह्मण फरिश्ता होंगे और फरिश्ता सो देवता बनेंगे। देवता उनको संज्ञा अभी नहीं दी जाएगी, वो जन्म ले लेंगे परंतु परमधाम नहीं जाएंगे, परमधाम नहीं जाते या देवता नहीं बनते। जैसे श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया परंतु उसे देवता कोई भी नहीं कहेगा। इस बात को हमें बहुत ध्यान से रखना है। एडवांस पार्टी में वो आत्माएं हैं जिन्होंने एडवांस स्टेज वाली परम था और सतयुग में आने वाली आत्माओं को जन्म देना है। वो जन्म लेंगे, एडवांस स्टेज पर होंगे और वो जन्म लेकर बड़े होंगे, परंतु उनको देवता कहा जाए ये नहीं होगा। क्योंकि देवता तब कहलाएंगे जब इस सृष्टि पर आसुरी दुनिया का अंत होगा, रावण की दुनिया का अंत होगा। और अंत होने के बाद कुछ ही समय में, क्योंकि अंत हो गया, क्योंकि बाबा ने बहुत क्लियर कहा हुआ है सृष्टि का विनाश नहीं होता, सृष्टि का परिवर्तन होता है। कुछ ना कुछ रहते हैं, वो कुछ कौन रहते हैं और कैसे रहते हैं इसी बात को हमें समझना है। जिसके लिए आपको दो एग्जाम्पल पिछले वीडियो में दिए गए थे, उनको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, इशारे से बता रहा हूँ। होलिका, प्रहलाद या मटके में जो बुल्ली के बच्चे रह गए थे वो बच गए थे। अब वो केवल सुरक्षित रहेंगे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे जो, वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी जो प्रकृति को प्योर बनाने में हेल्प किया होगा, प्रकृति उनको हेल्प करेगी। बाकी सब शरीर छोड़ेंगे, शरीर तो ये भी छोड़कर जाएंगे परंतु इनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इनको भी घर जाना है, सबको घर जाना है। घर जाने के बाद आकर वो फिर से शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे। उनको जन्म देने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होगी। यदि माता पिता की जरूरत हो तो फिर उनका भी, क्योंकि सतयुग में आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण होंगे और राधा कृष्ण बच्चे नहीं होंगे। यदि यहां पर बाल कृष्ण को दिखाया जाता जबकि यहां दिखाया है, पिछले कल्प के अंत से पहले दिखाया है, आग लगने से पहले दिखाया है और यहां उसको बड़ा दिखाया है। अब वो बचेंगे जिन्होंने सतयुग के आदि में यहां पर लेना है। बाकी बाबा ने मुरलियों में, चित्रों में बहुत स्पष्ट किया हुआ है, किसी प्रकार का छुपाव नहीं है, परंतु गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। और उस चिंतन को भी इसलिए करने की जरूरत है कि अब हम कलयुगी नाव से अपना पैर उठाकर सतयुगी नाव पर आ जाए। ये वीडियो केवल ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के लिए है कि अब आप कलयुगी नाव पर पैर नहीं रखो, वहां से पैर उठा लो। ये समझ भी उनको आएगा जो उठाएंगे, बाकियों को समझ की बात भी नहीं है। और इसमें कोई ज्यादा अपनी बुद्धि को खराब करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अब बिल्कुल थोड़ा ही टाइम रह गया है, आग लगने वाली है, डेट नहीं बताई है बाबा ने, फर्क सिर्फ इतना है, परंतु ये इशारा है अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है पावन बना लो। अब किसी भी प्रकार की गफलत नहीं आने दो। मूल्यों में क्या होता है कि बाबा
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अलग अलग स्टेज पर बताता है, इसीलिए उसे कंबाइन करने की ज़रूरत है। बाबा यदि सारा सीधा सीधा बता देता तो डेट भी फिक्स कर देता, डेट भी बता देता कि कब क्या होना है, परंतु बाबा नहीं चाहता डेट बताना, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने तो केवल और केवल अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को सतयुग में जाने के लायक बनाना है, ये इशारा समझना है। कोई माने उसका भला, कोई ना माने उसका भला। ओम शांति। लास्ट पैराग्राफ में भी बाबा ने बहुत क्लियर इसी बात को समझाया है, तुम किसको भी ये समझा सकते हो कि हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है, हो रहा है। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी देवता बने नहीं हो, क्योंकि अभी हमारी एक पांव कलयुगी नाव में है और एक पांव सतयुगी नाव में है। अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो, प्रोसेस में हो। देवी संप्रदाय जब बन जाएंगे फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। दैस दिया उसके बाद, आगे बोला नहीं है कुछ भी। याद से विक्रमा जीत बनना है, ये सारी मेहनत की बात है। ये इतनी सारी बात जो बाबा हमें समझा रहा है वो विक्रमा जीत बनने के लिए समझा रहा है। अब क्योंकि सारी बातें दैस छोड़ दिया, सारी बातें एक साथ बाबा ने कभी भी ना बताई है आज तक की किसी भी मुरली में, बार बार आकर के थोड़ा 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 राज खोला है। ऐसे ही बहुत सारी मुरलियाँ और आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं जब भी मुरलियाँ पढ़ता हूँ मुझे समझ में आता है कि आज बाबा ने ये बात कही है, आज बाबा ने ये बात कही है। क्योंकि कृष्ण का जन्म आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, संगम युग पर होता है, और यदि संगम युग अभी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु विनाश के बाद परिवर्तन के बाद बच्चे पैदा करने के लिए माता पिता चाहिए। इसे जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें।